जब कभी भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो किस पर्पज से करते हैं? वो रिश्ता वो इंश्योरेंस कंपनी इसलिए तोड़ना चाहती है क्योंकि आपकी गाड़ी में क्लेम आया है। किस कंपनी पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उस कंपनी के इंटेंशन को कैसे परखते हैं? वो आपके इंश्योरेंस के क्लेम को सेटल नहीं करना चाहती, वो आपसे सिर्फ प्रीमियम लेना चाहती है। तो अब लोगों का भरोसा किस पर रह जाएगा? आईआरडी के चेयरमैन के पास ये वीडियो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। जरा मुझे बताइए, जब कभी भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो किस पर्पस से करते हैं? आपका पर्पस उस वक्त बहुत क्लियर होता है कि कल को अगर मेरी गाड़ी में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और जो भी मुझे मेरी गाड़ी में फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ले, जो भी उसका खर्चा होता है वो आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा बेयर करे, और उसके लिए आप उस कंपनी को एक प्रीमियम भी देते हैं, और वो कंपनी भी जब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करती है तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस भी बहुत क्लियर होता है कि कल को अगर इस गाड़ी में कोई क्लेम आता है तो वो कंपनी उसका क्लेम का पैसा भरेगी और उसके बदले में उसने प्रीमियम लिया है। लेकिन अगर आप ऐसा देखते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी में क्लेम आने के बाद वो कंपनी नाराज हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता है और वो दोबारा आपकी गाड़ी के को रिन्यू करने के लिए मना कर देती है, यानी कि जो रिश्ता आपने उस कंपनी के साथ बनाया वो रिश्ता वो इंश्योरेंस कंपनी इसलिए तोड़ना चाहती है क्योंकि आपकी गाड़ी में क्लेम आया है, ऐसे में आपके मन में क्या आएगा? आप उस कंपनी के इंटेंशन को कैसे परखते हैं? तो आप ये समझोगे कि वो कंपनी आपके साथ में रिश्ता इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना रही है, वो आपके इंश्योरेंस के क्लेम को सेटल नहीं करना चाहती, वो आपसे सिर्फ प्रीमियम लेना चाहती है, ऐसा आपके मन में आएगा। और दुख तो आपको सबसे ज्यादा तब होगा जब इस प्रकार का काम वो कंपनी करेगी जिस पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा है। तो आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि किस कंपनी पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तो आपकी जुबान से एक ही नाम आएगा और वो होगा टाटा का। दोस्तों, टाटा में दो टी है, यानी कि आप डबल ट्रस्ट करते हो इस कंपनी पर, और इस तरह की हरकत अगर टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी करेगी तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? तो ये आज का जो चर्चा है, ये चर्चा है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक उच्च अधिकारी ने अपने एक कस्टमर की पॉलिसी को रिन्यू करने से मना कर दिया। क्यों रिन्यू करने के लिए मना किया? क्योंकि उनकी पिछले साल उनकी गाड़ी में क्लेम आ गया, और क्लेम आया इसके लिए उन्होंने उनकी पॉलिसी को इस साल रिन्यू करने से मना कर दिया। अब आप ही मुझे बताइए, क्या ये सही बात है? एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहा है वो इसीलिए तो कर रहा है कि कल को उसकी गाड़ी में क्लेम आया तो कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेगी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ फैक्ट्स आपको दिखाता हूँ ताकि आपका आपका भरोसा थोड़ा इस पर और बढ़ जाए। देखिए, ये उस कस्टमर की पॉलिसी, ध्यान से देखिए, ये कस्टमर की पॉलिसी है, ये कस्टमर की पॉलिसी कॉपी है। इसमें आपको कस्टमर का यहाँ पर नाम नजर आ रहा है, मनोज गाड़िया, ये उनकी पॉलिसी नंबर है। ये पॉलिसी उन्होंने 13/10/2021 में ली थी, जो कि 12/10/2020 इसी महीने में खत्म होने वाली है, और इसी पॉलिसी का वो रिन्यू करने जब कंपनी के पास गए तो कंपनी ने उनका रिन्यू करने से मना कर दिया। आप देखेंगे कि 12.5 लाख का उनका जो है वो इंश्योरेंस है, यानी कि 12.5 लाख रुपए तक का क्लेम वो कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने 30,500 रुपए का प्रीमियम पे किया। लेकिन जब इस पॉलिसी के रिन्यू के लिए इस महीने वो कंपनी के पास गए तो कंपनी ने उन्हें ये लेटर थमा दिया। अगर आप इसे पढ़ेंगे, यू नो, यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, मनोज गाड़िया, ये उनकी पॉलिसी का नंबर है। ये जितने भी डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आप दोबारा भी इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो ये लेटर उन्होंने उन्हें दे दिया है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट कंसिडरिंग द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिसी एक्सपीरियंस यानी कि क्लेम सेगमेंट, वी आर नॉट इन द पोजिशन टू ऑफर यू पैकेज कवर ऑन रिन्यूअल, इंस्टेड वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू अ लाइबिलिटी पॉलिसी। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ लाइबिलिटी पॉलिसी देंगे, इस कंपनी की जो ओन डैमेज का जो इंश्योरेंस है वो हम आपको नहीं देंगे। अब ये जो है, मैं आपको उनका मेल भी दिखाता हूँ। दरअसल कस्टमर ने ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी ली है NJ इंश्योरेंस कंपनी से, ये ब्रोकर है, इस ब्रोकर के थ्रू कस्टमर ने पॉलिसी ली है।
और एनजे इंश्योरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एनजे इंश्योरेंस का मेल आता है जहां पर लिखा हुआ है कि द इंश्योरर यानी कि टाटा एआईजी कंपनी हैज डिनाइड द ओडी कवर ऑफ द बेसिस ऑफ एडवर्स क्लेम हिस्ट्री। उन्होंने डिनाई कर दिया है क्योंकि आपका क्लेम हिस्ट्री है, पिछले साल आपकी गाड़ी में क्लेम आया है। इंश्योरर यानी टाटा एआईजी ने इस पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए डिनाई कर दिया है। और नीचे उन्होंने यह भी लिखा है कि नीचे जो मेल है नो प्लीज रिफर टू दी ट्रेल ईमेल, यानी कि नीचे जो मेल है उसको आप एक बार देख लीजिए जो कि टाटा एआईजी ने उनको भेजा है। किसने भेजा है? तो मिस्टर प्रेमानंद अर्डू @TataAIG इस ईमेल आईडी से मेल आया है, जहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है डियर सर, यानी कि टाटा एआईजी ने एनजे इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस ब्रोकिंग को मेल भेजा है, डियर सर हाई क्लेम हिस्ट्री लॉस रेशियो इज हाई ड्यू टू दिस केस इज डिक्लाइन, यानी कि क्लेम बहुत ज्यादा आपका आ गया है इसके लिए हम इसे डिक्लाइन करते हैं। तो ज्यादा आ गया है तो कितना ज्यादा आ गया है अब आप वो भी देख लीजिए। तो ये है क्लेम रेशियो, 30,000 रुपए का क्लेम किया है कस्टमर ने और प्रीमियम इससे कुछ यू नो 50 रुपये ज्यादा ही था, 30,062 रुपए का क्लेम हुआ है और 30,500 रुपए का कस्टमर ने जो है प्रीमियम ही भरा, यानी कि अपने प्रीमियम से भी कम पैसे का क्लेम किया गया है। देखिए यू नो कितनी बुरी बात है कि एक कस्टमर जो कि यू नो क्लेम लेने के लिए एक मुसीबत के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है और इंश्योरेंस कंपनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ इस पॉलिसी के ओनर को, यू नो जिन्होंने ये पॉलिसी ली है, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की है कि इस प्रकार जिस कंपनी पर मैंने भरोसा किया वो कंपनी मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रही है। इनका नाम है मिस्टर मनोज। मनोज जी मैं आपका आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑडियो चालू करें क्या। नमस्कार मनोज जी। नमस्ते रंजीत। नमस्कार नमस्कार। सो मनोज जी आपकी आपके इंश्योरेंस को टाटा एआईजी कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन आपके पास में ऑप्शन तो है, आप दूसरी कंपनी से भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो क्यों आप दूसरी कंपनी से नहीं करते, टाटा एआईजी के साथ ही आप इंश्योरेंस क्यों करना चाहते हैं? पहली बात तो रंजीत ये है कि हम टाटा पे बहुत भरोसा रखते हैं, नॉट ओनली इन दिस प्रोडक्ट, सब कुछ बहुत कुछ हम लेते हैं। एग्जाम्पल है क्रोमा है, टाटा अपने पास गाड़ियां भी होती है, सब 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 चीजें, बहुत लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस सब चीजों में, तो हम चाहते हैं कि हम भी इसमें कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखें, तो बस हमारा वो इरादा है कि हम टाटा से ही करना चाहते हैं। और यही भरोसा था इसीलिए आपने जो है वो टाटा से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया। एग्जैक्टली। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है, देखिए आपने कोशिश की अपने गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करने की, उन्होंने आपको डिक्लाइन लेटर दे दिया आपके हाथ में, मान लीजिए कि अब इस कोशिश के बाद में भी अगर वो आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि आप कहीं और से करा लीजिए, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? पहली बात तो मेरा टाटा से भरोसा उड़ जाएगा। सेकेंडली मैं नहीं चाहता कि पीपल को भी ये अवेयर ये सब चीजें मालूम पड़े कि टाटा को, टाटा से पीपल ऐसा नहीं लगे कि भरोसा उठना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखे लोगों टाटा में और ये मेंटेन करे कि ये चीज वापस होनी नहीं चाहिए ऐसे करके। लेकिन आपकी इच्छा ये है कि ये इंश्योरेंस मेरा रिन्यूअल टाटा के साथ में ही, राइट? एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ वो मैं मेंटेन करूं उसके साथ, फिर बहुत ऑप्शन तो बहुत है बाद में। हाँ ऑप्शन तो है, ठीक है। मनोज जी मैं ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो मुद्दा है ये देखने में तो बहुत छोटा सा लगेगा, कह रहे ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसी प्रकार इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी चलती रही तो धीरे 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 ये एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। मैं ये 100% यकीन से बोल सकता हूँ कि ये इंटेंशन रतन टाटा का कभी नहीं हो सकता, कभी होगा ही नहीं। ये इंटेंशन तो उस व्यक्ति का है जो टाटा एआईजी कंपनी में एक उच्च अधिकारी के पदवी पर बैठा हुआ है, ये उसका इंटेंशन है, जिन्होंने एक क्लेम आया और इस क्लेम की पॉलिसी को लेने से मना कर दिया। उनका इंटेंशन साफ साफ है कि हमें सिर्फ प्रीमियम लेना है, हमें क्लेम नहीं देने, इस इंटेंशन से वो इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक साल का जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को वो तोड़ रहे हैं, उसे वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार का बर्ताव यू नो एक कस्टमर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बिहेवियर को, इस वीडियो को, आपके जान पहचान में जितने भी व्यक्ति हैं जो कि कार चलाते हैं, जो कि कार इंश्योरेंस खरीदते हैं, उन सबके साथ में इस वीडियो को भेजिए। इतना ही नहीं, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं या फिर आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं भी हैं, तो हमारे देश में करीबन 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं,
हर एक इंश्योरेंस एजेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि टाटा एआईजी जो कि जिस पर लोग डबल भरोसा करते हैं, अगर वैसी कंपनी इस प्रकार का काम कर सकती है तो अब लोगों का भरोसा किस पर रह जाएगा? लोगों का भरोसा तो दूसरी कंपनियों से भी टूट जाएगा। तो ये भरोसा लोगों का टूटना नहीं चाहिए, ये इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट जो है वो बरकरार रहना चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री उभरती हुई इंडस्ट्री है, यू नो, इस प्रकार की हरकतों की वजह से इस इंडस्ट्री पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, यू नो, लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो सभी लोगों में ये वीडियो जाना चाहिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, तो सारे इंश्योरेंस एजेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आईआरडी के चेयरमैन के पास ये वीडियो जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि टाटा एआईजी के थ्रू इस प्रकार का बिहेवियर हुआ है, ये वीडियो रतन टाटा जी के पास भी जाना चाहिए और उनको पता लगना चाहिए कि इस प्रकार का बिहेवियर एक कस्टमर के साथ क्यों। कस्टमर तो ये कह रहा है कि मैं तो और कुछ नहीं कर सकता, मुझे दूसरी कंपनी के पास जाना ही पड़ेगा अगर टाटा एआईजी का यही रवैया रहा, अगर उन्होंने मेरी पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया। लेकिन मेरा भरोसा टाटा एआईजी कंपनी पर उठ जाएगा, टाटा इस ब्रांड पर मेरा भरोसा उठ जाएगा, और वो तो हम भी नहीं चाहते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा, यू नो, एक ऐसी कंपनी जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इस छोटी सी हरकत की वजह से, यू नो, इतने बड़े कंपनी पर जो लोगों का भरोसा है वो भरोसा टूट जाए। इस वीडियो के बारे में, इस हरकत के बारे में, टाटा एआईजी के उस एम्प्लॉई जिन्होंने इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया है, इस हरकत के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, आपके मन में क्या विचार है, यू नो, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बी आई टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। बी आई टीवी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।